सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। इसके लिए हमने बुकरम ली है, लंबाई है वो 10 इंच है, चौड़ाई है वो 8 इंच है। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे, वो 3 इंच की लेंगे। गले की लंबाई 7 इंच की, उसमें हम यहाँ से गोलाई देंगे गले में। जैसे हमारे शोल्डर हैं 3 इंच की चौड़ाई में, यहाँ से हम एक शोल्डर का निशान लगा लें। अब हम पहले गले की कटिंग करेंगे। अब ये हमारा आरूमर, अब हम ये कपड़े के ऊपर रख के इस पर पहले सिलाई लगाएंगे। अब हम ये आरूमल की कटिंग करेंगे। अब जैसे हमारा पीछे का पल्लर है, इसके ऊपर हम ये गले को रखेंगे। ये हमारा गला है जो बंद वाला है। ये हमारा गला कट गया है। अब इसके ऊपर हमें पहले सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे गले पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम सीधी रखेंगे सीधी के ऊपर। अब हम इसको अंदर साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के नीचे सिलाई लगानी है हमें। अब ये कपड़े को हम अंदर के साइड दबा के इस पर हम तुरपाई करेंगे। अब हम यहाँ पे गले पे लेस लगाएंगे। लेस को हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से रखना है जिससे हमारा अंदर का कपड़ा अच्छी तरीके से दब जाए। अब हम ये चौकोटा कपड़ा लेंगे, 2 इंच की चौड़ाई 2 इंच की लंबाई। अब हम ये कपड़े को इस तरीके से यहाँ पे हम ये बूटों को लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये लेस को लगाएंगे।
अब हम ये बूटी यहाँ से लगाएंगे। पहले हमने ये बूटों पे सिलाई लगा ली है, अब हम इसको एक बार और दबाएंगे। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। दोनों आरूमल को हमें बराबर करना है, क्योंकि पहले हमने ब्लाउज के आरूमल कम रखे थे 5 इंच के, अब ये 6 इंच के हैं। एक कच्ची सिलाई को हम हटा देंगे। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।